दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आपका प्रदर्शन, कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले हैं कार्यकर्ता। आपके प्रदर्शन को लेकर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। तो कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए कार्यकर्ता निकले हैं, आम आदमी पार्टी के पास नहीं है घेराव की अनुमति। आपके प्रदर्शन को लेकर बड़ी संख्या में सुरक्षा, आम आदमी पार्टी के पास नहीं है घेराव की अनुमति। तो दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आपका प्रदर्शन हो रहा है। तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पास घेराव की अनुमति नहीं है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर, यहां पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। शिव त्यागी हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव त्यागी, जिस तरह से देखा जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने पहले से ही ऐलान किया था कि वो कांग्रेस दिल्ली दफ्तर का ऐलान करेंगे, वो घेराव करेंगे, और साफ तौर पे उन्होंने कल भी बीजेपी दफ्तर का घेराव किया था। पूर्ण राज्य की मांग को लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो दोनों ही पार्टियों को घेर रही है, और उससे साफ तौर पर कह रही है कि पूर्ण राज्य की मांग को लेकर उन अपनी चुप्पी जो है वो तोड़े और बताए कि पूर्ण राज्य की मांग जो आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है वो पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस ने भी की थी। अब ऐसे में चुनावी माहौल है, और कल जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लगा दी गई थी, और ऐसे में बिना परमिशन के आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। पहले से ही दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है तमाम फोर्स के साथ वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे और उनको समझाया गया कि बिना परमिशन के जो प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है वो आचार संहिता का उल्लंघन करना, ऐसे में बड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर प्रोटेस्ट को दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर पर जाएंगे। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के द्वारा पहले ही इस चीज का ऐलान करा गया था, तो उनके द्वारा जो कार्यकर्ता है वो सैकड़ों की तादाद में हालांकि दिल्ली दफ्तर से निकले जरूर थे, लेकिन 50 मीटर चलने के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो आचार संहिता का उल्लंघन है उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के द्वारा ये प्रोटेस्ट था उसको बीच में ही रोकना पड़ा। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कल से ही आचार संहिता लागू हो गई थी, और उसको देखते हुए किसी भी पार्टी को प्रदर्शन या इस तरह की चीजें करने की अनुमति कहीं ना कहीं नहीं है। और साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल ही कह दिया गया था अगर इस तरह की चीजें कुछ भी होती है तो बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ होगी। बिल्कुल, कल शाम जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा ऐलान करा गया था उसके बाद से आचार संहिता लागू कर दी गई थी। साफ तौर पर इस बार चुनाव आयोग के सख्त निर्देश है कि किसी भी पार्टी को अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा, और वही उसके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के द्वारा जो इस तरीके से प्रोटेस्ट निकालने की कोशिश की जा रही थी, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली दफ्तर जो आम आदमी पार्टी का वहां से वो निकले और करीब 50 से 60 मीटर तक वो दफ्तर से निकल के उन्होंने प्रोटेस्ट किया। साफ तौर पर एक आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली बात है। लगातार जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाके उन लोगों को समझा रहे थे कि आचार संहिता में ऐसे में परमिशन नहीं है, और परमिशन ना होने की वजह से अगर इसका प्रोटेस्ट को निकाला जाएगा तो उल्लंघन किया जाएगा और चुनाव आयोग के द्वारा इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। वही दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के द्वारा पूर्ण राज्य की मांग को लेकर लगातार जो है बीजेपी को घेरती हुई है, उन्होंने बीजेपी के कई कल की अगर बात की जाए तो बीजेपी के दफ्तर का घेराव किया था, वो पूर्ण राज्य की लगातार मांग करते जा रहे हैं, और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा कहे जा रहे हैं कि इसको पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया जाना चाहिए, लगातार अरविंद केजरीवाल ये मांग कर रहे थे। ऐसे में चुनावी माहौल इसको बना रहे हैं, और कल अगर परसों की बात की जाए तो गोपाल राय के द्वारा भी एक मीडिया में बयान दिया गया था कि डोर टू डोर कैंपेन करके पूर्ण राज्य के जो दर्जा की मांग आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है, और डोर टू डोर बताया जाएगा कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलता है तो ऐसे में कितने फायदे होंगे। साफ तौर पर एक राजनीतिक करण है आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, और जिस तरीके से प्रोटेस्ट निकाला गया है साफ तौर पर कहीं ना कहीं चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और गठबंधन की अगर कांग्रेस के साथ बात की जाए तो शुरुआती तौर पर आम आदमी पार्टी पूर्ण उस तरीके से कोशिश कर रही थी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शिव त्यागी।